बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो उमेनाथ साइड पे पहुँचा हूँ जी। गैप आ जाते हैं, दो तीन चार दिन का गैप था, लेकिन उस दिन मैंने आपको ये कंक्रीट पहली वीडियो में दिखा चुका हूँ कि फुटिंग की कंक्रीट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी थी। फिर इसकी ओपनिंग की, पूरा ये शटरिंग खोल के यहाँ पर तरतीब से रख दिया इसको, और यहाँ से अभी उठा के हम लोग ये इसकी शटरिंग टाई बीम की। और इससे पहले जो बीच में एक हमारा काम था ब्लॉक वर्क का, सॉलिड ब्लॉक वर्क का, इतना ज़्यादा नहीं था। कहीं पे हमारी 1.5 लेयर थी और कहीं पे हमारी 3 लेयर आ रही थी। तो विद इन 2 डेज 2 मेसन और 2 हेल्पर के साथ में ये हमने चारों तरफ इसको कंप्लीट कर दी है। और ये जगह आप देख रहे हैं कि 1 लेयर जो इसकी 20 सेंटी यहाँ पे कम है, ये कॉर्नर इसका, और चारों कॉर्नर में सेम ऐसे ही है। इसकी बीम की जो डेप्थ है वो 60 सेंटी है, और दूसरी जगह जो स्ट्रेट ये हमारा टाई बीम आ रहा है वो है 40 सेंटी। तो कॉर्नर में इसका डेप्थ जो दी है वो दी है फिर 60 सेंटी 60। तो ये देखें, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये आप देखेंगे यहाँ से, और ये कॉर्नर, और इधर यहाँ तक ये तकरीबन हमारा 6 मीटर ये राइट साइड में, और 6 मीटर हमारा लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर है, इसके चारों तरफ के कॉर्नर इसी तरह 60 सेंटी के हैं, और इसके बाकी 40 सेंटी की हमारी आ रही है इसकी टाई बीम की हाइट। और इसमें अभी आज हमने एक शटरिंग का काम इसका स्टार्ट कर दिया। आप देख रहे हैं ये लाइन डोरी यहाँ पर ये रोब लगा दी हुई है, और इसी लेवल के ऊपर हम लोग इस शटरिंग को लगाते हुए जा रहे हैं जी। तो गर्मी है अभी, मौसम गर्मी का शुरू हो गया है, 40 तक टेम्परेचर अभी पहुंच रहा है। फिर रमज़ान है, ज़्यादा साइड में भी मैं नहीं डेली आ सकता, तो रोज़े भी रखने होते हैं, और फिर मॉर्निंग में ज़्यादा। आज इंस्पेक्शन थी हमारी दूसरी साइड में बल्दिया की, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कम्प्लीट हो गई है। तो उसके बाद वहाँ से फ्री हुआ तो मैंने कहा चलो जी आज आपको दिखाते हैं उमेनाद का काम कहाँ तक पहुँचे। और ये अभी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अभी सुबह से ही आप देखें यहाँ से 2 हेल्पर और 2 उस्ताद के साथ में ये विल्ला के अगर सामने खड़े होंगे तो राइट साइड से ये शटरिंग शुरू की, और बाहर वाली साइड इसकी प्लाईवुड लगानी शुरू की हुई, और साथ में इसका स्टील का काम भी शुरू किया, वो भी आपको दिखाएंगे। तो साथ साथ इसकी शटरिंग कारपेंटर और एक कारपेंटर और एक हेल्पर जो है वो अपनी ये काम कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखें जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये आप देखेंगे तो ये 40 सेंटी इसकी हाइट है हमारी टाई बीम की। यहाँ पे फिर आके 20 सेंटी ये ब्लॉक जो है वो डाउन रखा है, और फिर ये इसका टॉप से बॉटम तक ये 60 सेंटी का ये आ जाएगा। ये 6 मीटर इसका तकरीबन कॉर्नर से, चारों कॉर्नर सेम है, और आगे फिर ऐसे ये बैक साइड पे मैं आ चुका हूँ अभी। इसकी बैक साइड के भी ब्लॉक हैं, 3 लेयर लगी हैं, और इसीलिए ये 2 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे अभी इन्होंने बैक साइड पे भी तकरीबन इनकी कंप्लीट ओवरऑल होगी, ये थोड़ा सा काम बीच में कॉलम के सामने रहता है, और ये अभी इन्होंने विला के सामने खड़े होंगे तो लेफ्ट साइड की शटरिंग। आसाद कैसे हो? ठीक है। तो ये इन्होंने अभी शुरू किया हुआ, बाहर का जितना भी है प्लाईवुड वो लगा रहे हैं, और अंदर का इसका बीम का स्टील जो है टाई बीम का वो रेडी करके फिर उसके बाद ये। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसकी बाहर की शटरिंग आज कम्प्लीट हो जाएगी, और फिर उसके बाद में स्टील के बाद इंटरनेट होगी तो दिखाते हैं जी आपको स्टील कैसे रेडी कर रहे हैं। तो ये अभी जो हमारा फुटिंग का, ये इसका टाई बीम का, इसका फुटिंग का जो हमारे बाउंड्री वाल की फुटिंग का ये सामान निकला है वो यहाँ पे एक जगह जमा कर लिया, और इसी में से क्लीन करके नेल वगैरह निकाल के हम लोग टाई बीम में यूज़ कर रहे हैं। और इसमें फिर भी हमें 40 तकरीबन प्लाईवुड 8x4 के
18 मिली की वो ऑर्डर की हैं, वो भी आ जाएंगी, तो वो भी चाहिए। तो अभी यहाँ एज पर ड्राइंग ये उस्ताद जनाब डाल रहे हैं, बना रहे हैं रिंग, क्योंकि पहले इसका रिंग का काम होगा और फिर उसके बाद में इसका बीम वहाँ पे साइड में ही ब्लॉक वर्क जो हुआ उसके ऊपर ही होगा जी। तो ये देखें इसके रिंग का साइज आपको बताते हैं, ये है 15 में कितना है अंदर अंदर इसके, 34 by 14। हाँ जी ये 14 14 सेंटी इसका ये चौड़ाई है और 34 इसकी ये हाइट है, इसकी ऊंचाई है ये बीम के रिंग की। तो इसका जो अगर 40 का आपने बीम रेडी करना है तो उसके लिए रिंग जो काटा है इन्होंने, ये जो इन्होंने स्टील काटा है ये एक मीटर पाँच सेंटी का ये पीस इन्होंने काटे हैं, वो उन्होंने काट के रखे हुए भी हैं साइड में। रिंग इनको जितने चाहिए, उसका स्टील 8 mm का इन्होंने 1 meter 5 centi के ये काट लिए हुए, और उसको 34 centi उसकी जो है हाइट बना रहे हैं, और बीच में जितना ये इसकी चौड़ाई है वो बना रहे हैं 14। ये आप याद रखेंगे कि एक अगर आपने आपका बीम 40 सेंटी का आ रहा है तो उसका रिंग के स्टील काटेंगे आप 1 meter 5 centi उसकी लेंथ में से काटेंगे 1 meter 5 centi, और फिर उसको जब यहाँ पे एल बनाएंगे तो एल के लिए जो आपकी चौड़ाई है उसकी वो आएगी 14 और उसकी जो ऊंचाई आएगी वो लंबाई की तरफ आएगा 34। तो ये आपका बीम बन के टाई बीम का जो स्टील होगा 40 सेंटी का टाई बीम जहाँ पे आ रहा है तो ये हमारा उसका स्टील, क्योंकि उसमें कवर आएगा 5 centi टॉप में और 5 centi बॉटम में कवर आके, तो वो कवर ब्लॉक आके तो फिर उसका वो बन जाएगा 40 centi। तो ये था आज का प्रोसेस, मैंने कहा आपसे शेयर करते हैं इसका, क्योंकि इसमें बाहर का जो काम है वो तो बहुत सख्त है, गर्मी है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, मजबूरी है। तो दिन में ही काम की प्रोग्रेस निकलती है, अगर यहाँ पे नाइट में करेंगे तो लाइट्स वगैरह लगाओ और वो प्रोग्रेस भी नहीं निकलती। तो ये जंगल में इन्होंने मंगल बनाया हुआ है, देखें आप, देखें जी चारों तरफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, विला चल रहे हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं 1%, और बाकी तकरीबन अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये पूरा डेजर्ट है और इस डेजर्ट में ये घर बन रहे हैं, तो कभी ये बहुत अच्छा सिटी उम्मीनाद सिटी बन जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो दुआ में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।